नमस्कार, लोकतंत्र में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे सीएजी रिपोर्ट की। संसद में पेश सीएजी की रिपोर्ट में अहम खुलासा हुआ है। सीएजी रिपोर्ट में देश में बने शौचालय और राफेल पर कई खुलासे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश भर के सरकारी स्कूलों में शौचालय बनाए जा रहे हैं, लेकिन यही शौचालय अब सरकारी स्कूलों की साफ सफाई व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट में एक बार फिर देश के सरकारी स्कूल गंदगी के ढेर पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 15 राज्यों के 75% सरकारी स्कूलों के टॉयलेट में साफ सफाई के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। सीएजी ने संसद में पेश रिपोर्ट में भारत को अत्याधुनिक तकनीक से ऑफसेट करार दिया और अभी तक वो पूरा नहीं करने पर फ्रांसीसी कंपनी द सॉल्ट एविएशन और यूरोपीय मिसाइल निर्माता कंपनी MBDA की खिंचाई भी की। वहीं रक्षा मंत्रालय की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए गए। ऐसे में राष्ट्रीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी के रिपोर्ट पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को एक ट्वीट पर तंज कसते हुए इस मामले में मेक इन इंडिया की जगह मेक इन फ्रांस हो गया है। अब सवाल है कि क्या सरकारी योजनाओं पर भ्रष्टाचार का दीमक लग गया है? कैसे हो रही है सरकारी योजनाओं में लूट? पैसे खर्च होने के बाद भी आखिर शौचालयों का निर्माण क्यों भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा? कैसे चढ़ा? मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट को किसने लगाया पलीदार? सीएजी की रिपोर्ट में एक बार फिर से सरकारी स्कूलों की बदरंग तस्वीर उभरी है। देश के सरकारी स्कूल गंदगी के ढेर पर खड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की जो अलख जगाई थी, वो सरकारी स्कूलों में आकर कूड़े की ढेर में तब्दील नजर आ रही है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने बुधवार को संसद में पेश की गई ऑडिट रिपोर्ट में कहा कि 15 राज्यों के 75% सरकारी स्कूलों के टॉयलेट में साफ सफाई के पर्याप्त इंतजाम नहीं है। इतना ही नहीं, केंद्रीय सरकारी कंपनियों की तरफ से स्कूलों में बनवाए गए 11% टॉयलेट रिपोर्ट में अपनी जगह से लापता मिले, यानी इन टॉयलेट्स का निर्माण केवल कागजों में ही हुआ। वहीं 30% टॉयलेट संचालित ही नहीं किए जा रहे। कैग ने इस साल 15 राज्यों के 2048 स्कूलों के उन 2695 टॉयलेट का ऑडिट किया। आपको बता दें कि टॉयलेट 2014 में शिक्षा मंत्रालय की अपील पर 4 मंत्रालयों की सरकारी कंपनियों की तरफ से निर्मित कराए गए 1,30,703 टॉयलेट में से एक थे। इन टॉयलेट का निर्माण 2,162 करोड़ रुपए की लागत से कराया गया था। रिपोर्ट में सामने आया कि सर्वे के दौरान 2,326 स्कूली टॉयलेट में से 1,812 गंदगी का ढेर मिला। दिन में कम से कम एक बार सफाई के मानक के विपरीत इन 1,812 में से 715 टॉयलेट बिल्कुल भी साफ नहीं किए जाते, जबकि 1,097 टॉयलेट में सप्ताह में दो बार से लेकर महीने में एक बार ही सफाई की जाती है। रिपोर्ट में एक हिस्से में बताया गया है कि 200 टॉयलेट सिर्फ कागजों में ही बनाए गए, जबकि 86 का आंशिक निर्माण किया गया। वहीं ऐसे 83 टॉयलेट मिले जिनका निर्माण पहले ही किसी अन्य योजना में हो चुका था। ये वो स्याह हकीकत है जो प्रधानमंत्री की स्वच्छ भारत अभियान पर सवाल खड़े कर रही है, वहीं देश के नौनिहालों की शिक्षा पर भी असर डाल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। सीएजी ने संसद में पेश रिपोर्ट में भारत को अत्याधुनिक तकनीक के ऑफसेट करार अभी तक पूरा नहीं करने पर फ्रांसीसी कंपनी द सॉल्ट एविएशन और यूरोपियन मिसाइल निर्माता कंपनी MBDA की खिंचाई की है। वहीं रक्षा मंत्रालय की कार्य प्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं। 36 राफेल विमानों की खरीद में तकनीक का हस्तांतरण अहम मुद्दा है। तकनीक DRDO को हस्तांतरित होनी थी और इसका इस्तेमाल हल्के लड़ाकू विमान तेजस के लिए जेट इंजन बनाने में किया जाना है, लेकिन अभी तक तकनीक का हस्तांतरण नहीं हो सकी है। ऐसे में राष्ट्रीय नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने गुरुवार को एक ट्वीट कर तंज कसा कि इस मामले में मेक इन इंडिया की जगह मेक इन फ्रांस हो गया है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक ने ऑफसेट से जुड़ी नीतियों को लेकर रक्षा मंत्रालय की आलोचना की है।
संसद में पेश रिपोर्ट में सीएजी ने भारत की ऑफसेट नीति को लागू करने के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए हैं। इसमें कहा गया है कि विदेशी वेंडरों का एक भी ऐसा मामला नहीं मिला जिसमें भारतीय उद्योग को तकनीक हस्तांतरित की गई होगी। विदेशी निवेश हासिल करने वाले 63 सेक्टरों में से रक्षा क्षेत्र 62वें नंबर पर है। रिपोर्ट में कहा गया 36 मीडियम मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट से संबंधित ऑफसेट अनुबंध में राफेल बनाने वाली फ्रांस की वेंड्रो मेसर्स दसॉल्ट एविएशन और एमबीडीए ने डीआरडीओ को अत्याधुनिक तकनीकी की प्रारंभिक पेशकश कर अपने ऑफसेट करार का 30% पूरा करने का प्रस्ताव किया था। कैग के अनुसार डीआरडीओ इस तकनीक का इस्तेमाल हल्के लड़ाकू विमान के लिए स्वदेश में ही विकसित इंजन कावेरी के लिए करना चाहता है, लेकिन अभी तक वेंडर ने तकनीक हस्तांतरण की पुष्टि नहीं की। 5 राफेल विमानों का पहला बैच 29 जुलाई को भारत पहुंचा था। करीब 4 साल पहले भारत ने फ्रांस के 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल लड़ाकू विमान की खरीद का सौदा किया था। इसके तहत कुल लागत का कम से कम 30% खर्च कर कंपोनेंट की खरीद करनी थी या अनुसंधान और डेवलपमेंट सुविधाएं स्थापित करनी थी। दरअसल जब सरकार किसी दूसरे देश की कंपनी से बड़ा करार करती है तो कुछ भारतीय कंपनियों के साथ समझौता होता है। इन्हें ऑफसेट पार्टनर कहा जाता है, यानी इन कंपनियों को वो विदेशी कंपनी जिससे कुछ खरीदा जा रहा है या करार हो रहा है वो अलग अलग किस्म के काम देगा। ये नियम 300 करोड़ रुपए से अधिक की सभी खरीद पर लागू होता है। कैग ने कहा, वेंडर अपनी ऑफसेट प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में नाकाम रहे, ऐसे में रक्षा मंत्रालय को ऑफसेट नीति की समीक्षा करने और सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। जी हाँ, तो लोकतंत्र में दरअसल आज हम बात कर रहे हैं संसद में पेश सीएजी रिपोर्ट की, और इसमें जो अहम खुलासा हुआ है उसके बाद से जाहिर तौर पर भूचाल आया हुआ है, क्योंकि देश में जहां एक तरफ शौचालय और राफेल पर अब खुलासे पे खुलासे हो रहे हैं, जाहिर तौर पे अब इस पर कहीं ना कहीं जो विपक्ष है वो सरकार को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश भर में सरकारी स्कूलों में शौचालय बनाए जा रहे हैं, लेकिन यही शौचालय अब सरकारी स्कूलों की साफ सफाई की व्यवस्था पर ही सवाल उठा रहे हैं। विपक्ष जहां सरकार के खिलाफ लामबंद नजर आ रहा है, तो वहीं अब ये कहा जा सकता है कि ये जो सच्चाई सामने आ रही है वो सरकार के तमाम दावों की पोल खोल रही है। आज इस विषय पर हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। कैप्टन आई सिंह जो हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता हैं, बहुत स्वागत है आपका। सैफ खान जी हमारे साथ हैं, नेता हैं कांग्रेस के, सैफ जी आपका भी बहुत स्वागत है। अभिषेक राजाराम जी हमारे साथ हैं, सीए हैं, बहुत स्वागत है अभिषेक राजाराम जी आपका भी। इस खास कार्यक्रम की हम शुरुआत करें इससे पहले आपको बता दें कि जो मामला है वो दरअसल संसद में जो रिपोर्ट पेश हुई है उसके बाद ही ये मामला पूरा प्रकाश में आया है। ऐसे में कैप्टन आई सिंह जी, आपसे ही इस खास कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं कि आखिर सवाल इस बात को लेकर है जो सीए जी की रिपोर्ट सामने आई है उसके अंदर तमाम अहम खुलासे हुए हैं, क्या नहीं लगता कि स्वच्छ भारत अभियान, हर घर में शौचालय होगा, शौच मुक्त होगा भारत, तमाम तरह की योजनाएं, उन सभी को धक्का लगा है? नहीं नेहा जी, ऐसा नहीं कह सकते हैं। देखो, ये शौचालय बनके भी एक साल से ज्यादा हो चुका है और कम से कम जो है ना 10 लाख से ज्यादा शौचालय बनाए गए हैं और कहीं भी कोई जगह ऐसी बची नहीं है जहां शौचालय ना हो। अब ये रिपोर्ट जो सीएजे की आई है, ठीक है ये रिपोर्ट अपनी जगह है, मगर ये भी सत्यता है कि रिपोर्ट अब कहां से आई है, कैसे आई है, कहां से आई है, क्या मतलब है सर, आप क्या इसकी प्रामाणिकता पर सवाल उठा रहे हैं क्या, ये कहां से आई है, क्या मतलब है? पहले मेरी बात सुन ले, आप मेरी बात सुन ले। क्या है कि हो सकता है जैसा राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है, अब वहां पर जो भी केंद्र की योजना वहां चलेगी तो उसको वो जो है ना अच्छी तरह से चलने नहीं देंगे। अगर वहां से रिपोर्ट आई है तो वो कभी रिपोर्ट सही हो ही नहीं सकती, ये भी आप मान के चले। अब रही बात साफ सफाई की, देश में 15 राज्यों में ये 15 राज्यों के आधार पर ही इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है सिंह साहब, सवाल इस बात को लेकर है क्या कांग्रेस की सरकार 15 राज्यों में है क्या? नेहा जी, मैं अगर है तो बता दीजिए ना सर कि केंद्र शौचालय बना सकता है, साफ सफाई तो वहाँ के लोकल प्रशासन को देखना पड़ेगा ना, तो लोकल प्रशासन की ये भी जिम्मेवारी बनती है
अब केंद्र एक शौचालय पर जाके खड़ा होगा नहीं कि यह साफ हुआ कि नहीं हुआ। अगर केंद्र ने कहीं बनाने में गुणवत्ता में कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब ये कांग्रेस जो है ना, तो कांग्रेस का तो काम है, आप जानते हो कि कांग्रेस ने तो सिर्फ कमियां निकालना है। पहले रफेल की जो है ना लेते रहे कि रफेल में घोटाला है, रफेल को आने ही नहीं दे रहे थे, और जो जो सुरजेवाला है वो तो इनके बिगर पैदे के लोटा है। सुरजेवाला की खुद की जमीन इतनी कमजोर हो चुकी है कि वहां से बार बार वो चुनाव आ रहा है। सर, ये मौका ही क्यों देते हैं आप लोग कि कांग्रेस सवाल उठाए या तमाम विपक्षी पार्टी सवाल उठाए, ये मौका ही क्यों दिया जाता है? नेहा जी, इनको हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर ये ना भी हो तो उसको इनको तो जो है ना कुछ ना कुछ कीचड़ उछालना है, क्योंकि इनसे कुछ करा नहीं जाता है। इनकी आज जो है ना राजस्थान में इनकी सरकार है, आप देखो वहाँ क्या हालत है, वहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि आज चुनाव करा दो कांग्रेस आज जीरो पे चली जाएगी। तो इन्हें तो बहाना चाहिए कि केंद्र के ऊपर उंगली उठाने का। बाकी केंद्र अपनी जगह बहुत अच्छा काम कर रही है, और केंद्र ने ये जो है ना ये बालिकाओं के खास करके खराब है क्या, ये झूठी है क्या रिपोर्ट? अपनी जगह हम उसको नहीं, अपनी जगह का क्या मतलब होता है? इसमें सच्चाई नहीं है क्या? या तो बोलिए कि सच्चाई नहीं है, या तो बोलिए कि ये सच्ची है, ऐसा है, खामियां है, कमियां है, एक्सेप्ट करिए उसे। नहीं, हाँ या ना में जवाब दीजिए ना सर, ये क्या है कि अपनी जगह है? नेहा जी, मैंने आपसे कहा ना कि काफी जगह ऐसी है जहाँ से अगर रिपोर्ट ली जाएगी तो वो रिपोर्ट तो गलत आना ही आना है। वही है ना कि अपनी खामियां नहीं देखी है। ठीक है सैफ खान जी, सवाल इस बात को लेकर है, आपने इनको सुना होगा कैप्टन आई सिंह जी को। सिंह साहब का कहना है कि अगर कांग्रेस के राज्य में जहां पर कांग्रेस शासित प्रदेश है वहां से अगर इस रिपोर्ट को बनाया गया है तो इसमें खामियां हैं, केंद्र की योजनाएं ठीक से लागू नहीं करती है कांग्रेस। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया नेहा जी, आज आपके साथ जो है मौका मिला। मैं बड़ा आश्चर्य, मुझे बड़ी हैरानगी होती है साहब, जब भारतीय जनता पार्टी के जुमलेबाज उनके प्रतिनिधि और ये कैप्टन होके ऐसी बातें करते हैं। इन 15 स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी स्टेट है जहां से ये रिपोर्ट आई, जबकि मैं इनको ये बताना चाहूंगा, जबकि आपने भी बात रखी हो, और आपके चैनल का बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट जो फिगर्स हैं वो सामने रखी। 15 स्टेट 40% स्कूलों में जिसमें दिखाई ही नहीं दिया कि शौचालय बनाए गए हैं। 2,326 सर्वेड में 691 नॉट फाउंड, यानी 30%, और 75% नॉन मेंटेन। तो ये सच्चाई जो है जब सीएजी ने पार्लियामेंट में रखी है और सामने निकल के आई है, तब भी उनके जो जुमलेबाज प्रतिनिधि हैं इधर आदर के उदाहरण देंगे। सवाल ये उठता है कि आप अभी जो है कांग्रेस के राज्यों को कह रहे थे, मैं बताना चाहता हूं जिस विकास के मॉडल को आप गुजरात के रखते हैं उसमें भी 2018 में भी गुजरात के असेंबली में सीएजी ने रिपोर्ट जो है सामने रखी थी जिसमें बताया गया था 29.12% जो है आपके स्वच्छ भारत का जो अभियान के ये सब चीजें हुई है, टॉयलेट्स नजर ही नहीं आए, यानी शौचालय नजर ही नहीं आए। जिस विकास के मॉडल को आपने गुजरात से शुरू करके यहाँ पे दिखाया है हर राज्यों में, अब सवाल ये उठता है, क्योंकि स्वच्छ भारत अभियान आपका तो था नहीं, निर्मल भारत को आपने नाम चेंज कर लिया। मैं तो आपसे ये पूछता हूँ कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हमारी देश की जो है, उन्होंने जो बजट निकाला 12,294 करोड़ का बजट 2020 से 2021 में, वो उसका कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? और ये तो हुआ ही, ये तो आप डिटेल दीजिए ही, इससे पहले का बजट जो है 15,373 करोड़ 2018 से 2019 का जो बजट इस्तेमाल किया गया है उसका क्या किया है आपने? सिर्फ आपने अपने जो ये कंस्ट्रक्शन करवा के या दिखवा के, जो आप कह रहे हैं, जो लगातार सीएजी की रिपोर्टें आ रही हैं कि बना तक नहीं है और उसको दिखा दिया गया ऑन पेपर, क्या वो बजट जो है का दुरुपयोग हो रहा है? जो करप्शन की आप बात कर रहे हैं जो हमें नजर आ रही है, और यही हाल जो उत्तर प्रदेश में 2017 में 3,255 करोड़ का बजट जो है आपने इस्तेमाल किया गया। ठीक है, एक भारी भरकम बजट हर साल रखा जाता है सर, आज की बात नहीं है, ये तो हर साल रखा जाता है, बावजूद इसके कितना विकास हो रहा है ये कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है। अगर ऐसे में कैप्टन आई सिंह जी, सवाल इस बात को लेकर है कि अगर ये कहा जाता है कि हर घर में शौचालय होगा, हर स्कूल में शौचालय होगा, लेकिन सरकारी स्कूलों की हालत अगर इस कदर है तो सर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? नेहा जी, केंद्र अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रही है, जहां जितने फंड की जरूरत पड़ रही है उपलब्ध करा रही है। शौचालय ग्रामीण क्षेत्र की जो बालिका है, कैप्टन साहब बताइए ना, सीएजी रिपोर्ट क्यों अलग कह रही है?
और जगह जगह बनाए। आप सुने सुने, मैंने बड़े प्रेम से सुना है आपको, तो उनको देखते हुए, क्योंकि वो बिचारी इतनी परेशान होती थी कि ना शौचालय होने की वजह से वो स्कूल नहीं आया करती थी, तो प्रधानमंत्री जी का ये बड़ा सराहनीय कदम था जो उन्होंने ये जो है ना करके दिखाया। अब इसके अंदर कमियां निकालना, सीएजी ने जो रिपोर्ट बनाई है, मैं उसको ये नहीं कहता हूँ कैसी रिपोर्ट है, बाकी इसमें जितनी कमियां बताई जाती शायद नहीं है। और कांग्रेस पार्टी मतलब ये झूठी रिपोर्ट है, आप ये कह रहे हैं कि झूठी रिपोर्ट है? नहीं, हम झूठी नहीं कह रहे हैं ना, नहीं तो फिर आप क्या कहना चाह रहे हैं सर? आप कह रहे हैं जो ये जो ये जो रिपोर्ट बनाई गई है, ये पता नहीं कैसे बनाई गई है, ये जो रिपोर्ट बनाई गई है वो कांग्रेस शासित प्रदेशों की बनाई गई है, ये जो रिपोर्ट बनाई गई है इसमें इतनी सच्चाई नहीं है, सर आप क्या कहना चाहते हैं, स्पष्ट करिए, क्या ये रिपोर्ट झूठ के आधार पर बनी हुई है क्या? नेहा जी, मैं आज जो है ना दिल्ली से बाहर हूँ, मैं मध्य प्रदेश में हूँ, और अगर कोई चाहे सीएजी चाहे जो भी चाहे आ जाए मध्य प्रदेश में, मैं दिखाता हूँ कि यहाँ मध्य प्रदेश आज सबसे ज्यादा रोल मॉडल हो रहा है। यहाँ पर शौचालय इतने अप टू डेट है, मैं भी काफी क्षेत्र में यहाँ घूम के आया हूँ, आज दिल्ली से मुझे 4 दिन आके हो गए, मैं जहां जहां घूमा हूँ वहां स्कूल शौचालय नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब ये पता नहीं है कहां से रिपोर्ट बनी है, तो मैं इसके ऊपर क्या कह सकता हूँ? अच्छा, तो आप सीएजी रिपोर्ट को चैलेंज करना चाहते हैं, ये कह रहे हैं आप चैनल पे बैठ के, क्या हम इसे ऑफिशियल स्टेटमेंट समझे आपका? ऑफिशियल स्टेटमेंट भारतीय जनता पार्टी का कि वो सीएजी रिपोर्ट को झुठला रही है, जो झुठला किसी को नहीं रहे, झुठला तो हम किसी को नहीं रहे, राहुल गांधी ठीक है, अभिषेक राजाराम जी भी हमारे साथ हैं, ठीक है, मैं लौटूं कि आपके पास अभिषेक के सवाल इस बात को लेकर है, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट पर यहाँ पर एक तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ से ये कहा जा रहा है क्या बताइए कि इसमें क्या खामी है क्या कमी है। सर सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि सीएजी की रिपोर्ट अगर तैयार की जाती है तो उसका क्या आधार होता है, कैसे ये तैयार होती है, ये तफसील से समझाइए। देखिए, ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट की बात हो रही है ये सीपीएससी के 2035 स्कूलों में चेकिंग करके बनाए गए हैं, जो कि 53 सीपीएससी ने करे थे, यानी सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जैसे एनटीपीसी है, ये सारी केंद्र सरकार के अंदर में आती हैं। इसमें से 7 सीपीएससी ने 1,30,703 टॉयलेट बनाए, जिसका खर्चा 2,162.60 करोड़ रुपए था। तो ये जो सारे टॉयलेट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जो पीएसयू है उनके बने हुए हैं। इसमें से 11% टॉयलेट जो कागजों में मिले नहीं, ये तो चलो खैर बात की बातें हैं, मेरे को सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण जो बात लगी इस पूरी रिपोर्ट को पढ़ने के बाद, जिसमें मेरा दुखी हुआ हूं जिसमें पढ़ के, कि 535 स्कूल ऐसे हैं जिसमें लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है, उन्हें लड़कों के साथ टॉयलेट शेयर करना पड़ रहा है। और जो हमारे साहब सज्जन साहब ने थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि स्कूल नहीं जाना चाहती लड़कियां क्योंकि टॉयलेट शेयर करना पड़ता है, तो वो स्थिति 535 स्कूल में आज भी रह गई। 55% टॉयलेट ऐसे हैं जो चल रहे हैं लेकिन उनके बाहर हाथ धोने की व्यवस्था नहीं बनाई गई। तो इस तरह जो स्थिति खड़ी करी गई कि आप देखिए, ये जो रिपोर्ट कहीं से बनकर आई हो, किसी ये जो जितने स्कूल्स हैं ये सारे पीएसयू के अंडर आने वाले स्कूल्स हैं। दूसरा, स्वच्छ भारत अभियान का बहुत सारा पैसा इसमें खर्च हुआ है। दूसरी चीज, कल सीएनएजी ने 29 रिपोर्ट सदन के पटल पर रखी थी, उसमें से एक रिपोर्ट डायरेक्ट टैक्सेस असेसमेंट के ऊपर थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जो ये फालतू असेसमेंट करते हैं उसमें से 76.5% असेसमेंट ऐसे थे जो पहली अपील में जाते ही कट गए, आईटीएटी में या कोर्ट में कट गए। ऑडिट रिपोर्ट में एक जो ये 14 नंबर रिपोर्ट थी और 11 नंबर रिपोर्ट में ये बोला गया 2.72 लाख स्कूटनी केसेस खोले गए, जिसमें से 1.59 लाख स्कूटनी केसेस जुडिशियली प्रोसीडिंग्स में खड़े नहीं हुए। जी जी, इसका मतलब क्या है? तो ये जो कह रहे हैं ना कि रिपोर्ट कहां से आई, या ये जो कार्य प्रणाली के ऊपर है, ये सबसे बड़ा सवाल कार्य प्रणाली के ऊपर है केंद्र सरकार की। सीएडीजी वो संस्था है जिसने सबसे पहले सवाल यही है कि ये जो तमाम चीजें निकल के सामने आ रही है सर, कि 55% ऐसे शौचालय हैं जहां पर हाथ धोने की व्यवस्था नहीं है, 72% ऐसे हैं जहां पर पानी की सुविधा नहीं है, 40% ऐसे हैं जो बने तो हैं लेकिन सिर्फ नाम के बने हैं, 11% ऐसे हैं जिनके नामो निशान नहीं है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है सर, जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, यहाँ पर प्रधानमंत्री भले ही ना खा रहे हो लेकिन वो खाने दे रहे हैं,
क्या इस बात को आप मानेंगे, क्या इस बात को आप मानेंगे कैप्टन आई सिंह जी, गबन हो रहा है? नहीं नेहा जी, मैंने आपसे पहले ही कहा, कहां जा रहा है कैप्टन साहब, ये बजट जी अपनी तरफ से कहीं कोई कमी नहीं छोड़ रही, सेंटर गवर्नमेंट भर हाँ, तभी हम जो तभी सीएनजी की तभी सीएनजी की जो रिपोर्ट है वो सामने आ रही है। जो स्कूल है क्षेत्र साफ साफ जवाब दीजिए बात, उनकी जिम्मेवारी बनती है कि साफ साफ जवाब दीजिए, कहां जा रहा है बजट की मैं इनका मेंटेनेंस। सर अगर कोई अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहा है सर, ये अगर कोई आपने जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया, आप जिसके साथ करार कर रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को नहीं निभा रहे सर, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है उस वक्त, आपका कर्तव्य क्या है उस वक्त, केंद्र सरकार का कर्तव्य क्या है उस वक्त? नहीं केंद्र सरकार बाजी करना है नेहा जी, मैं बताता हूँ, सिर्फ जुमलेबाजी देना है वही रखेगा ना नेहा जी, काम स्थल के ऊपर तो होता नहीं है, सिर्फ जुमलेबाजी करना इस सरकार का काम है, दिखाते कुछ है, बजट कहाँ जा रहा है, अब मैं जनता जो है साफ साफ देख रही है, लगातार बजट जो है निकलते आ रहे हैं, इस्तेमाल क्या हो रहा है, कहाँ हो रहे हैं, ये ऊपर वाला जाने जो है नहीं, इस है ना? इन शौचालयों में 2162 करोड़ का निर्माण कराया गया ये दिखाया गया है, लेकिन वो आखिर इतना गाढ़ा पैसा जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा सर कहाँ गया, ये एक बड़ा सवाल बन जाता है। 75% सैफ खान जी, 75% तो वैसे ही नॉन मेंटेन्ड है नेहा जी, मोदी सरकार में इस तरह का जो है बैठे ये कहते हैं कि हम जो है अच्छा काम कर रहे हैं, और फिर सीएजी रिपोर्ट का सवाल उठाते हैं, चैनल पे बैठ के आपके हैरानी है, ये हैरानी है मुझे यहाँ पर कि ये सरकारी अस्पतालों की बात करें, सरकारी स्कूलों की बात करें, ये आलम हर जगह दिखाई देता है सर, तो जाहिर तौर पे यहाँ पर सवाल खड़े होने लाजमी है, सरकारें आती है जाती है लेकिन हालात यहाँ पर जस के तस बने रहते हैं लोकतंत्र में। दरअसल आज हम बात यहाँ पर कर रहे हैं तमाम उन सरकारी योजनाओं की जो कि सरकार की तरफ से चलाए जाते हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के तीन बात है। खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद है सैफ खान जी, सवाल इस बात को लेकर है सर, ये आलम आज का नहीं है, अगर सरकारी स्कूलों में, अगर सरकारी अस्पतालों में, अगर सरकारी संस्थाओं में इस तरह के अगर शौचालय खराब है या फिर इस तरह की कंडीशन है, तो क्या ये आज की स्थिति है, क्या इससे पहले हालात सही थे क्या? नहीं, मैं आपकी बात जो है बिल्कुल मानता हूँ, बहुत अफसोस की बात है कि अगर ये हालात जो है खराब हैं, मगर उन्हें बद से बदतर कर दिया गया, और इस सब चीजें में इन सब पूरे जो जितना भी बजट इस्तेमाल किया गया है सरकार की तरफ से, ये वही मेहनत का पैसा है सरकार जो जनता का, जो वो टैक्स के रूप में जमा करती है। आज 2014 के बाद से जो है निर्मल भारत को, जब निर्मल भारत को अभियान को जो है स्वच्छ भारत अभियान करके, उसमें उसी जनता का पैसा इस्तेमाल करके जो है उनको फैसिलिटीज क्या दी जा रही है, सवाल ये उठता है कि योजना जो करती है वो कितनी अच्छी तरीके से आप जो इम्प्लीमेंट करते हैं, कितनी अच्छी तरीके से जो है वो ग्राउंड स्तर के ऊपर जो है वो देखी जाती है। तो आज सीएजी रिपोर्ट ने जो है पार्लियामेंट में बड़ा सिद्ध कर दिया है अपनी रिपोर्ट, और गुजरात असेंबली में भी मैंने आपको उदाहरण दिया 2018 का कि वो भी सीएजी रिपोर्ट जो है सवाल इस बात को लेकर है ना सैफ खान जी, गई थी कि हालात क्यों नहीं सुधर रहे हैं, क्योंकि आपकी एक सेकंड सर, ये आज की कंडीशन नहीं है, ये 6 साल से अगर एनडीए की सरकार है, हम सवाल उठा सकते हैं, हम सवाल पूछ सकते हैं, हम कटघरे में खड़ा कर सकते हैं, मौजूदा सरकार उनकी है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि आपने देश पे सबसे ज्यादा शासन किया है, अगर ये स्थिति सुधरी होती पहले तो शायद ये आलम आज होता क्या? अब देखिए नेहा, आल चली वॉट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज तक देश में जितने भी स्कूल कंस्ट्रक्टेड भी हुए हैं वो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किए हैं, एम्स हॉस्पिटल से लेके यूनिवर्सिटी से लेके, शौचालय क्यों नहीं, हमने तो किए ही, आज अभी तक जितने भी एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड किए हुए हैं वो कांग्रेस की तरफ से ही किए हुए हैं, और जो ऊपर से अब ये जिनका बजट निकाला गया, जो जनता का पैसा निकाल के अब कहां गया, ये तो कैप्टन साहब बताएंगे, क्योंकि पूछने में तो हम लगातार पूछे, जवाब तो दीजिए, बताइए तो कि कहां है वो जनता का पैसा, वो खून पसीने की कमाई है जनता की। इसके पहले के आंकड़े उठा के देखिए, जब यूपीए की सरकार थी तब देश में स्कूलों के शौचालय की क्या स्थिति थी, ये भी तस्वीरें साफ हो जाएगी, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि मौजूदा स्थिति में अगर हालात जस के तस बने हुए हैं तो कैप्टन आई सिंह जी कैसे सरकार के दावों और वायदों पर विश्वास करें आम जनता, ये मुझे समझा दीजिए। नेहा जी, एक कांग्रेस हमसे सवाल पूछ रहे हैं, 60 साल राज्य इनने किया और इन फिर भी ये शौचालय नहीं बना पाए, आज ये कह रहे हैं कि जो सर है तो आपको जनता क्यों लेके आई,
आपको जनता क्यों लेके आई सर? हमने शौचालय बनाए ना, हमने शौचालय दिए ना, ये 11% ऐसे शौचालय जिनके बारे में अभी तक कुछ पता पता नहीं है। 11% है, दिखाई नहीं देते। साल में सिर्फ घोटाले के अलावा एक परिवार को स्थापित करने के अलावा इन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है। हम नेहा जी वो है कि हम बिल्कुल आम जनता के साथ खड़े हैं। स्वच्छ भारत में इतना बजट डाल के कह रहे जो घोटाला, अच्छा कितने लोगों को जेल भेज दिया है? हमने शौचालय ही नहीं, कितने लोगों को जेल भेज दिया शौचालय उसके ऊपर घोटालों में? हमने धुएं से मुक्त कराया जी। बात है चैनल पे भाषण देने से नहीं होता, इनसे ही पूछिए कितने लोगों को जेल में भेज दिया करप्शन में। 8 करोड़ महिलाओं को हमने गैस चूल्हा दिया है, धुएं से मुक्त। सर यहाँ पे गैस चूल्हे की बात हो रही है, अभी उनके बारे में सोचा? आपकी उज्ज्वला योजना की बात हो रही है क्या सर? बात जिसकी हो रही है उसकी बात करिए ना। आप 60 साल में नहीं कर पाए नेहा जी, और ये क्या बात करेंगे? अभिषेक राजा राम जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते सर। देखिए देश में 10,80,000 सरकारी स्कूल हैं जो कि सेंटर, स्टेट और पीएसयू के अंडर में आते हैं। इसमें से 2,035 स्कूल का ये सर्वे है, इसमें 1,40,000 टॉयलेट बनाने की बात जो थी, इनमें से 2,035 में से 1,967 स्कूल ऐसे थे जो कोएड थे, उसमें से 99 स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी टॉयलेट नहीं था। तो कोविड स्कूल में एक भी टॉयलेट ना होना अपने आप में एक शर्म की बात है। और अगर ये डाटा सिर्फ 2035 स्कूल पर इतना भयानक है तो आप सोचकर देखिए 10,80,000 स्कूल पर इस डाटा का क्या मतलब निकलेगा। अगर इसकी चेकिंग कराई जाए, इसमें कितनी सरकारें, कितना पैसा इधर से उधर हो चुका होगा, कितना बड़ा भ्रष्टाचार इसमें लिप्त हो सकते हैं ग्राउंड लेवल पे लीडर। मैं नहीं कह रहा कि टॉप लीडर इसमें इन्वॉल्व होंगे, लेकिन ग्राउंड लेवल पर। और आप सोच कर देखिए वो भयानक स्थिति जिसमें एक बच्चे को घर से स्कूल जाना पड़ता है और उसको अगर कोई, जैसे हिंदी में कहते हैं दीर्घ शंका लघु शंका कुछ लग गई तो वो बेचारा कहाँ जाएगा? क्या किसी ने उन बच्चों के बारे में सोच रहा है यहाँ पर? कैप्टन आई सिंह जी, हकीकत यही है जो अभिषेक राजा राम जी बता रहे हैं, हकीकत सर यही है, सच्चाई यही है, ये सच्चाई का आईना है। देश सोच बदलो देश बदलेगा, देश बदलो सोच बदलेगी, ये तमाम तरह के जो आप लोगों ने जुमले दे रखे हैं, क्या ये सिर्फ जुमलेबाजी ही है या फिर वाकई सरकार बदल गई, सोच बदल गई, देश कब बदलेगा सर? नेहा जी, हमारी सरकार कहीं से कहीं जो है ना किसी क्षेत्र में कहीं कोई कमी बदला है ना। नेहा जी बदला, उत्तर प्रदेश में भी आके बदला, अरे देश में हालात बदले है ना। मैं बताता हूँ, -23.9 -23% 9 के ऊपर माइनस जीडीपी चली गई, 40% बेरोजगारी चली गई। किया बहुत बहुत कुछ किया। उत्तर प्रदेश की बात करें, बिजली के बिल महंगा करने का काम किया, टोल टैक्स को महंगा करने का काम किया। सैफ खान जी एक सेकंड, अभी आपने अपने अपने वक्तव्य में कहा कि सारे स्कूलों को कांग्रेस पार्टी ने बनाया, कांग्रेस पार्टी ने उन स्कूलों को भी बनाया होगा जिसकी बात अभी राजा राम जी कर रहे हैं, उनको भी बनाया होगा। बनाया है। तो वहां और हमें अगर अफसोस है कि ऐसी चीज जो है सर, शौचालय बनाना क्यों मैं बता रहा हूं, बनाए तो स्कूल हमने बनाए सर, शौचालय बनाना इसमें बिल्कुल डिनाई नहीं है। और अगर उसमें कमियां हैं तो बिल्कुल जो है हमें उस पर सुधार करने की आवश्यकता है, जरूरत है, और हम करेंगे। मगर आज की जो स्थिति देख रहे हैं हम जो है, जो लगातार बजट जो सर अभी तक क्यों नहीं हुआ था बेहतर, वो कौन जवाब देगा? अगर अगर एक कहते हैं आप इतने साल से हमने साहब स्कूल बनाए, सुधार कर रहे हैं। दिल्ली में भी शीला दीक्षित जी के टेन्योर में सबसे ज्यादा स्कूल जो है कंस्ट्रक्ट किए गए थे। मैं बता रहा हूँ स्कूल चल रहे हैं, खान साहब इतने सालों से स्कूल चल रहे थे, उनमें शौचालय नहीं था, तो सवाल तो आपके भी खड़े होंगे ना। सरकार तो आपकी भी रही, आपने सत्ता पे सबसे ज्यादा शासन किया है, बावजूद इसके स्कूलों में अगर शौचालय नहीं है तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? नहीं बनती थी क्या? तो यानी कि आपने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, होना चाहिए भी, नहीं निभाई आपने भी अपनी जिम्मेदारी। कि हम जो है अपनी आज हम सरकार में नहीं है। और उत्तर प्रदेश की अगर बात करेंगे तो 28-29 साल के करीब जो है ऑलरेडी चुका है सर। आज आप सरकार में नहीं है सर, मानते हैं आप आज सरकार में नहीं है, लेकिन आप सरकार में थे, आप सरकार में थे, आपने सरकार में रहते हुए बेहतर काम नहीं किया? कैंपेन लेके नेहा जी
हम पुरानी सरकार से ही पूछ रहे हैं कि आपका भी फर्ज बनता था, बिल्कुल साहब रह गया, कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं, मगर उत्तर प्रदेश में केंद्र में इतने बड़े बजट निकाल के इतनी कैंपेनिंग चला के हालात आपके सामने हैं और इनके वक्ता और प्रवक्ता यहाँ आप चरण पे बैठ के उसको मना करते, कहते कहां से पता नहीं रिपोर्ट आ गई है, हमने एक्सेप्ट किया कि हमसे कमियां आ गई। चलिए जाहिर तौर पे यहाँ पे सवाल इस बात को लेकर है, तमाम सरकारें आई तमाम सरकारें गई है, लेकिन स्थिति बदली नहीं है, स्थिति आज भी वही है जो इससे पहले हम देख रहे थे। हालांकि थोड़ा बहुत सुधार भले ही हुआ हो, लेकिन ज्यादा सुधार यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिल रहा। सीएजी की रिपोर्ट तो यही कुछ बता रही है। तो लोकतंत्र में आज हम बात कर रहे हैं कि स्वच्छ भारत अभियान और हर घर शौचालय के साथ ही तमाम और जो योजनाएं चलाई गई, क्या उसमें पलीता लगा? अगर नहीं तो आखिर ये जो सीएजी की रिपोर्ट सामने आई है या जो संसद में पेश की गई है, इसके क्या मायने निकाले जाए? खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद है, सवाल इस बात को लेकर भी है कि एक सवाल अभिषेक राजाराम जी आपसे, क्योंकि देश को ODF घोषित कर दिया गया, यानी कि खुले में शौच मुक्त हो चुका है देश, ये घोषित किया गया सर, लेकिन ये जो सीएजी की रिपोर्ट आई है सामने, इसको देख के क्या हम ये कह सकते हैं कि शौच मुक्त हो क्या है खुले में भारत? जी, ओपन में डिफेक्शन अभी भी होता है, और आप देखिए कुछ साल पहले गुजरात ने भी ये क्लेम करा था 2018 में, और खुद सीएजी की रिपोर्ट ने उसको कहा था कि ये इनका दावा झूठा है, फिर उन्होंने कहा था डेटा पुराना है, इस तरह के आरोप लगाए गए थे। ये जो इतना बड़ा मसला है, ये एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, ये मानवता से रिलेटेड मसला है, लेकिन जो पिछले आधे घंटे की डिबेट चली है उसमें कांग्रेस बीजेपी को सवाल उठा रही है, बीजेपी कांग्रेस पर सवाल उठा रही है। अगर यही राजनीति चलती रही तो ऐसे तो हम अगले 200 साल तक कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, ये मानवता से रिलेटेड मसला है, आपको इसको इंसानियत के तौर पर देखिए, आप इसको क्यों देख रहे हैं कि किसने क्या किया? ना तो ये कांग्रेस की गलती है ना बीजेपी की गलती है, ये जरूरी नहीं कि टॉप लीडर्स इसमें इन्वॉल्व हो, टॉप लीडर्स को तो पता भी नहीं होगा। ये जो नीचे वाले लोग हैं ये इस तरह का भ्रष्टाचार करते हैं। एक समय था जब देश के प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर 1 रुपए दिल्ली से चलता है तो लोअर लेवल पर 15 पैसे पहुंचते हैं, ये तो ऑफिशियल स्टेटमेंट था। तो इसको क्या हम 15 पैसे को 45 पैसे या 55 पैसे में कन्वर्ट कर पाए, सवाल ये है। और आप देखिए 10,80,000 स्कूल है, सीएडीजी सिर्फ 2,035 स्कूल को ऑडिट कर पाया, 10,80,000 स्कूल को ऑडिट सीएडीजी के पास वो रिसोर्स ही नहीं कि वो कर सके। इसके लिए सरकार को किसी बड़ी संस्था को बीच में लाना पड़ेगा, जैसे ICAI ICWI जो इसकी एक्सपर्टीज रखते हैं, प्लस तब ये जाकर चीजें पता चलेंगे कि एक्चुअली देश को कितने लाख करोड़ का ये नुकसान हो चुका है, प्लस उससे ज्यादा जो बच्ची वहां पढ़ रही है या जो बच्चा वहां पढ़ रहा है उसे कितनी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ी होगी। ये 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 तथ्यात्मक बात जो ये दिल से लगी हुई बात है वो ये समझना नहीं चाह रहे, बस ये कह रहे हैं साहब बीजेपी ने ये कर दिया, कांग्रेस ने ये कर दिया। एक सवाल इस बात को लेकर है यहाँ पर कैप्टन आई सिंह जी, जिस बात का जिक्र अभी अभिषेक राजाराम जी कर रहे थे कि वाकई क्या नहीं लगता, क्योंकि ये मानवता से जुड़ा हुआ विषय है, लेकिन सरकार की तरफ से ये कह दिया जाता है कि ODF हो गया है घोषित, जिस देश है अब हर घर में शौचालय हो गया, हर स्कूल में शौचालय हो गया, लेकिन सर क्या नहीं लगता कि इसकी हकीकत जानने की भी जरूरत होती है? जब एक एक, एक बजट बनता है, आप इस काम के लिए इतना बजट रखते हैं, वो बजट कहाँ पर जा रहा है, उस बजट का कितना इस्तेमाल हुआ, और क्या वाकई जो बजट दिया गया है वो जो बजट है वो आम जनता तक उसका लाभ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा, इसकी भी जांच पड़ताल बहुत जरूरी हो जाती है। सिंह साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि सरकार ने जो किया है अपनी तरफ से कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी, अब बीच में कहीं ऐसी कुछ कमियां बरती गई है तो वो जांच का पैसा है, सरकार इस पर जांच कराएगी कि ये कमियां कहां रह गई, क्योंकि सरकार ने इस उद्देश्य से काम नहीं किया है कि हम जो फंड भेज रहे हैं जो शौचालय के लिए वो शौचालय ठीक से ना बने, तो इसमें सरकार की मानसिकता में आप जो है ना कहीं सवाल उठाए तो बिल्कुल गलत होगा। बाकी ये है, मैं आपकी बात मानता हूँ कि कहीं ना कहीं कमियां तो जरूर होगी, अगर ये रिपोर्ट आई है तो थोड़ी बहुत कमियां जरूर होगी, और इन कमियों में अब देखना पड़ेगा सीएजी की रिपोर्ट।
एक सेकंड, सीएजी की रिपोर्ट और सरकार को जो लोग रिपोर्ट देते हैं, क्या उन दोनों में विरोधाभास नहीं लगता आपको? एक लोग ऐसे जो हैं वो रिपोर्ट देते हैं कि अब हर घर में शौचालय हो गया, हर स्कूल में शौचालय हो गया, शौचालय में बहुत ज्यादा स्वच्छता है, जबकि रिपोर्ट के अनुसार, सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार 15 बड़े राज्यों में 75% स्कूलों में बने शौचालय ऐसे हैं जहां सफाई के पैमाने पर सही नहीं बैठते, जो कि सफाई के पैमाने पर सही नहीं बैठते। सर ये बताइए कि अगर शौचालय में सफाई नहीं होगी तो हम स्वच्छ भारत का जो सपना देखते हैं क्या वो सफेद हाथी नहीं लगता है क्या? हाँ नेहा जी, मैं आपको एक बड़े शालीनता से कहना चाहूंगा कि क्या होता है कि जो खास करके हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो स्कूल है तो वहां का आज का नहीं बहुत पुराना एक धर्रा चला रहा है। आप आज भी अगर स्कीम को भी अगर जो है ना इसका भी सर्वे कराया जाए तो आज भी सरकारी स्कूलों में जितने सरकारी टीचर है वो कभी टाइम से आते ही नहीं है, अपनी जगह 2000 रुपए का आदमी भेज देते हैं। अब जहां इस तरह के काम हो रहे होंगे तो आप सोचिए वहां की तो सरकार, अब इसमें कहोगे सरकार की गलती है, सरकार इसमें एक एक आदमी के ऊपर निगाह तो रखेगी नहीं जाके, वहां का जिला स्तर का जो प्रशासन होता है उसने जरूर ऐसी गलतियां करी है और इसके लिए सरकार जांच कराएगी कि ये कमियां कहां रह गई। और बाकी सरकार की ऐसी कोई मानसिकता नहीं है कि जो दे रहे हैं वो जो है ना नीचे स्तर तक बच्चियों तक ना पहुंचे, मगर ये आप कह रही हो बिल्कुल सत्य है कि इसमें कमियां रही है। मतलब मैं नहीं कह रही हूँ, ये रिपोर्ट कह रही है, जो रिपोर्ट सामने आ रही है ये रिपोर्ट कह रही है सर। जिला स्तर पे, तालुका स्तर पे जो अधिकारी जो प्रशासन है ये उसकी जिम्मेवारी बन जाती है कि सरकार ने जो पैसा दिया है क्या हमने ठीक से इसको लगवाया, क्या इसका यूटिलाइज ठीक से हुआ कि नहीं हुआ, जो चीज हमने सुविधा के लिए पैसा मंगाया वो हुआ कि नहीं हुआ। तो जब जिला स्तर के अधिकारियों की बात बन जाती है, हम ये बात सही है कि सरकार का पद रखते रखते हम कभी कभी इन अधिकारियों को बचा जाते हैं, जबकि सत्यता यही है कि यहाँ अगर कोई अनियमितताएं जो बरती जाती है तो उसके जिम्मेवार ये सरकारी जिला स्तर के सरकारी होते हैं, इनके माध्यम ये जो गलत काम होता है तो उसमें ये लिप्त होते हैं। सरकार अब केंद्र सरकार इन पे एक एक पर निगाह तो रख नहीं पाती है, ठीक है ना, ये जिला स्तर के लोगों की बात है और ये कमियां जिला स्तर से ही निकल के बाहर आती है। ठीक है सैफ खान जी, सवाल इस बात को लेकर है कि क्या नहीं लगता कि इस पे राजनीति से ऊपर उठकर सोचने की जरूरत है? सर ऐसा विषय जो कि मानवता को शर्मसार करता है, कई ऐसे स्कूल जहां पर शौचालय नहीं है, ऐसे कोएड स्कूल जहां पर लड़के लड़कियां दोनों पढ़ते हैं शौचालय नहीं है, ऐसे स्कूल जो स्वच्छता के पैमाने पर खरे नहीं उतरते, ऐसे स्कूल जहां पानी की व्यवस्था नहीं है, ऐसे शौचालय जहां पर हाथ धोने के लिए पानी नहीं है, क्या नहीं लगता कि ये मानवता को शर्मसार करते हैं? इस पर कांग्रेस और बीजेपी की राजनीति छोड़ते हुए कम से कम मानवता के आधार पर ही आगे आना चाहिए। आप ये बात सोच रही हैं कि जो है जाहिर सी बात है बेसिक फैसिलिटीज जो हैं वो प्रोवाइड करनी चाहिए और होना चाहिए, जाहिर सी बात है कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, उस चीज के ऊपर मॉनिटरिंग भी रखनी चाहिए। सवाल मैं फिर की कैंपेन जो है इसका नाम बदल के निर्मल भारत को स्वच्छ भारत रख के, ये कैंपेन बहुत जबरदस्त तरीके से जो शो की गई हर चैनल के ऊपर जो है, हर जगह जो है दिखाया जा रहा था कि हमने ये कर दिया, हमने कंस्ट्रक्ट कर दिए, हमने फैसिलिटी सुधार दी, ये नहीं सच्चाई आपके सामने। अब सवाल ये उठता है कि आप एक सरकार से जो ये कह रही है कि हमने तो कर दिया, मगर सीएजी की रिपोर्ट जो पार्लियामेंट में पेश हो रही कह रही है कि इन्होंने जो किया है वो शून्य वो है, मतलब कोई फैसिलिटी उसको जनता को मिली नहीं है, जो आपने आंकड़े अपने चैनल पे रखे, आपने ये रखे, उसके लिए बजट जो है लगातार जनता पे कर रही है अपनी जेबों से। नहीं सर ये आज के हकीकत में है सर, देखिए आज की मैं अगर हकीकत की बात करूं ये आज की हकीकत नहीं है सर। सैफ खान जी, मेहनत हमारी जनता की मेहनत का है। खान साहब सर ये आज की हकीकत नहीं है, मैं किसी सरकार पे दोष नहीं मढ़ रही हूँ, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि देश को आजाद हुए आज 70 साल हो गए सर, लेकिन हमारे भारत की जो तस्वीर है, जो शौचालयों की तस्वीर निकल के सामने आ रही है, जो कागजों में दिखाई दे रहा है लेकिन वाकई में वो शौचालय नहीं बनाए, क्या ये नहीं लगता कि सरकारी इंतजामों की, सरकारी योजनाओं की, सरकारों की तरफ से जो दावे और वायदे किए जाते हैं
उनकी पोल खोलते हैं। जाहिर तौर पे लोकतंत्र में हम बात कर रहे हैं तमाम उन योजनाओं के बारे में जो कि सरकार की तरफ से चलाई जाती है, लेकिन उसका नतीजा क्या है और किस तरह से वो धरातल पर अभी फिलहाल दिखाई दे रही है। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद है, एक सवाल इस बात को लेकर है अभिषेक राजाराम जी की, तमाम तरह की योजनाएं चलाई जाती है लेकिन सर ये जो CAG की रिपोर्ट तैयार की जाती है इसका क्या आधार होता है और इसकी प्रामाणिकता क्या रहती है, ये भी हमें समझाइए। CAG जी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, ये हाईएस्ट अथॉरिटी है इंडिया में ऑडिट करने की और इन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन भी करा है इस रिपोर्ट को अगर देखा जाए। CAG की रिपोर्ट अकाट्य है, इसको काटा नहीं जा सकता है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है और जो भी कोई इसकी रिपोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं तो मुझे उस पर हंसी आती है। दूसरी चीज जो इन्होंने कहा कि टीचर आते हैं कुछ टीचर नहीं आते, 1000 रुपए वाले में किसी और को भेज देते हैं, ये गलत बात है क्योंकि ये जो 2035 स्कूल हैं ये सारे के सारे सेंटर PSU पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज CPSE के अंडर वाले स्कूल हैं, इनमें इस तरह के काम नहीं हो सकते। और जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है उसका इन स्कूल्स में कोई रोल नहीं है, तो ये स्कूल डिस्ट्रिक्ट प्रशासन के अंडर में नहीं चलते कि प्रशासन ने गड़बड़ कर दी। ये सारी के सारी वो स्कूल्स हैं जैसे NTPC है, पावर ग्रिड है, ये जो अपने स्टाफ के लिए स्कूल चलाते हैं या आसपास के कुछ लोग आ जाते हैं वहां पर। CAG की रिपोर्ट पर सवाल नहीं उठाना चाहिए क्योंकि CAG की रिपोर्ट के आधार पर ही सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जो हिंदुस्तान का बोला गया था वो CAG की रिपोर्ट के आधार पर ही था जो विनोद राय जी ने दी थी और कहा था कि टेलीफोन घोटाला हो गया है जो कि आज तक साबित नहीं हुआ। तो ये यहाँ CAG से एक सवाल नहीं है, CAG से दरअसल जो रिपोर्ट पेश की गई की है राफेल जैसे तमाम उन फाइटर प्लेन्स पर भी सवाल है, जहां पर ये कहा जाता है कि जो राफेल जैसे लड़ाकू विमानों का तो सौदा होता ही है लेकिन तकनीक का जो सौदा होता है उसमें जो तकनीक है वो ट्रांसफर नहीं की जाती, तो ये भी एक सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। केसी आई सिंह जी सवाल इस बात को लेकर है कि क्या वाकई नहीं लगता कि ये जो अब एक खुलासा हुआ है जिसमें कहा गया है कि जो लड़ाकू विमान है उसकी तकनीक जो है वो ट्रांसफर भारत में नहीं हुई और इसकी अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई, इसे कैसे आप देखेंगे? क्या आपको नहीं लगता कि ये भी अगर विपक्ष सवाल खड़े करता है तो उसमें कुछ तो दम है? नेहा जी, मैं डिफेंस से हूँ और डिफेंस के बारे में मैं एक एक बात को बता सकता हूँ। जी जी, ये बिल्कुल बेबुनियाद सवाल है कि उसमें टेक्नोलॉजी जो है ना स्थापित नहीं है। सर ये हम नहीं कह रहे ना सर, अभी आपने अभिषेक जी को सुना, उनका कहना है कि CAG की रिपोर्ट पर अगर कोई सवाल खड़े करता है तो ये जाहिर तौर पे हास्यास्पद है। अब आप समझ लीजिए कि आपको सवाल खड़े करना है या फिर इस पे सफाई देनी है। रफाल के ऊपर अगर किसी ने भी जो रिपोर्ट दी है, चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, रफाल के ऊपर अगर किसी ने रिपोर्ट दी है तो वो बेबुनियाद है। रफाल में कोई कमी नहीं है, रफाल तो आज हमारा ब्रह्मोस्त्र है। आज सर रफाल की कमी की बात नहीं कर रहे, आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? समझने वाली बात यह है कि रफाल में कमी नहीं है सर, जो तकनीक ट्रांसफर की जाती है, जो तकनीक भारत में भेजी जाती है, वो तकनीक जो है वो ट्रांसफर नहीं की गई है, उसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, ये CAG की रिपोर्ट में आया। बिल्कुल नेहा जी, उसमें कोई भी टेक्नोलॉजी बकाया नहीं है, बाकी छोटे कुछ टर्निस्ट होते हैं वो हो सकते हैं, बाकी उसमें मुख्य चीज होती है हमारा रेडार सिस्टम, मुख्य चीज होती है हमारी जो है ना मिसाइल सिस्टम, वो उसमें सब फिट है, मिसाइल है, रेडार है, ये सब ये हवा से हवा में मार करने वाली चीजें है। CAG जी डजंट अंडरस्टैंड what they are saying? Yeah. Do you want to say CAG doesn't understand what they are saying? CAG को आप समझते हैं? क्यों नहीं समझते? जी। हेलो। जी जी। आप समझते हैं कि जो CAG को ऑफिशियली पता है, बता उसे नहीं पता और आपको पता है? नहीं, CAG ने क्या क्या इसको रफाल को जो है ना वेरीफाई किया है? CAG has said that technology is not being transferred.
आप कैसी बात करते हैं सिंह साहब, सीए जी जब अपनी रिपोर्ट पेश कर रहा है उसके बाद आप अगर अभिषेक राजाराम जी से कह रहे हैं कि बिल है आपके पास, तमाम चीजें हैं आपके पास, तो ये क्या नहीं लगता है कि आप बेबुनियाद सवाल उठा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ये वार वाली को कह रहे हैं, आप ये सबूत पेश करें ना, कहां है सर? तो सीए जी से मांगिए ना जाकर, सीए जी की रिपोर्ट पार्लियामेंट में, आप पब्लिक डोमेन में आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए। सीए जी ने क्या कहा है वहां पर? आप क्या वहां प्रेजेंट में थे? आप उनकी नकल लेके आए क्या? अरे आप, मेरे पास तो है, आप भी ले लीजिए। आप समझ नहीं पा रहे हैं क्या मसला है? सैफ खान जी लगातार इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी सवाल खड़े करती रही है, लगातार राफाल की डील पर भी ये सवाल खड़े करते रहे हैं राहुल गांधी, और इसी पर ही अब 2019 का चुनाव भी लड़ा था। क्या आपको लगता है कि अब क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि तकनीक को ट्रांसफर नहीं किया गया, कैसे देखते हैं आप इसे? नहीं, ऐसा रिपोर्ट में कुछ भी नहीं है, ना ऐसा कोई खुलासा किया गया है अभी तक, ऐसा कुछ नहीं है। रिपोर्ट उसको प्रमाणित करें जी, ये रहा हमारे पास, देखिए ये रिपोर्ट में आया है, प्रमाणित करें उसको। अरे कल ही 29 रिपोर्ट रखी गई है, पढ़ लो डाउनलोड करके। तो आप हम तो डाउनलोड करके देख ही रहे हैं सर, देख लेना चाहिए कैप्टन आइसिंग जी, देख लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि सीएजी की रिपोर्ट में क्या है, ये पढ़ लेना चाहिए सर, पढ़ लेना चाहिए सर, सर पढ़ लेना चाहिए बजाय किसी और के सबूत मांगने के, सीएजी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, सारी आशंकाएं आपकी दूर हो जाएगी और पता चल जाएगा कि क्या कुछ हकीकत है और क्या कुछ सीएजी की रिपोर्ट में लाया गया है, लिखा गया है, ये पढ़ने की जरूरत है आपको। रफाल को जो टेकल कर रहा है, मैं सर रफाल की बात नहीं कर रही, मैं तमाम और फाइटर प्लेन्स की भी बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सिर्फ मैंने रफाल का नाम नहीं लिया, उन्हीं से चर्चा होती है, हम रफाल के ऊपर बात कर रहे हैं कि रफाल में ऐसी कोई कमी नहीं है, रफाल में कमी और नहीं कमी की बात नहीं कर रहे हैं हम, आप समझ पा रहे हैं, आप मसला ही नहीं समझ पा रहे हैं, मसला ये है कि हम तकनीक के ट्रांसफर की बात कर रहे हैं, आप समझिए पहले। हाँ सर, आपको समझने की यहाँ जरूरत है सर कि क्या मसला है, क्योंकि ये बेहद गंभीर मसला है और यहाँ पर किसी और पर सबूत या किसी और से सबूत मांगने की बजाय आप सीएजी की रिपोर्ट पढ़ लीजिए, आपकी तमाम जो आशंकाएं हैं वो दूर हो जाएगी। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ लोकतंत्र में इतना ही, नमस्कार।